नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। आज हम अपना संसारस्य नागरिका नायिका, संसार सागर के नायक, जो कि हम आधा पहले पढ़ चुके थे, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया, ठीक है, कि संसार सागर के जो तालाब वगैरह बनाते हैं ये अज्ञात नाम वाले कौन है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। ठीक है, अर्थात अज्ञात मानना बदते कि ये अज्ञात नाम वाले कौन थे। ये जो अज्ञात अधा, आज अधा कौन होता है, आज, ये जो आज अज्ञात नाम वाले लोग है कि ये जो आज जो है वो अज्ञात नाम वाले लोग हैं जिनको आज हम नहीं जानते हैं। ठीक है, बस अभी बदते हैं, जो अभी आज जो है वो अज्ञात नाम वाले थे, बहुरा थे, बहु प्रथा आसन, पहले ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, जिस टाइम में बावड़िया तालाब बनते थे उस टाइम बहुत ही प्रसिद्ध थे ये लोग जो थे, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, बहुत प्रतिभा, बहुत प्रचलित थे। अशेष ही देशीय तड़ागा निर्मा समा, निश्चय ही ये पूरे देश में होते होंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि पूरे ही देश में तालाब बनाए जाते थे, है ना, देखते ना, सभी जगह तालाब देखते हैं ना, कुआं देखते हैं, बावड़ी देखते हैं। ठीक है, तो निश्चय ही पूरे ही देश में तालाब बनाए जाते थे। ठीक है, निर्मिता आरोपी अशेष देश में और ये तालाब बनाने वाले जो है ये भी पूरे देश में थे। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी कि वहीं पे होते थे। आप लोगों ने देखा है कि तालाब में वो बढ़िया जो है वो सभी जगह थी। ठीक है, तो निश्चय ही ये पूरे देश में भी होंगे। ठीक है, अगर पूरे देश में ये तालाब वगैरह, निश्चित पूरे देश में तालाब बनाए गए हैं, तो ये जो तालाब बनाने वाले हैं मैसन जो है वो सारी जगह पूरे देश में ही है। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने अनुवाद कर लिया है, कर लिया ना बेटा सभी ने। चलिए, तो अब हम आगे नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, गद्य इति सुंदर शब्द। अब इनके लिए क्या प्रयोग किया जाता था, गद्यधर। ठीक है, इनके लिए प्रयोग किया जाता था गजधर, इनके लिए क्या नाम लिया जाता था, गजधर। इति सुंदर शब्द, ये सुंदर शब्द, तड़ागा निर्मितम साधनम समर्थनम, कि ये जो गजधर है ये गजधर इसको तुम सब तालाब बनाने वालों के लिए ये सादर समरण के लिए समर्पित था। ठीक है, सादर के साथ उनका नाम लिया जाता था कि ये गजधर कौन है। ठीक है, जिसने ये कुआं बनाया है, तो वहां पे उनको मिस्त्री वगैरह कुछ नहीं बोलते थे। ठीक है, मैसन नहीं बोलते थे उनके लिए, सागर के साथ उनको रिस्पेक्ट के लिए उनको गजधर बोला जाता था वहां पे। ठीक है, गजधर, कितनी सुंदर शब्द, ये सुंदर शब्द गजधर, ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए सागर के साथ, सागर मतलब उनकी रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, समर्थन उनकी सागर के साथ, सागर स्मरण के लिए है। राज्य स्थान कुछ हेतु भागेशु शब्दों अपि यद्यपि प्रचलिता, राजस्थान के कुछ, ठीक है, राजस्थान के कुछ भागेशु, कुछ भाग में, राजस्थान के कुछ भाग में आज भी ये प्रचलित है। अधा अधपि, आज भी प्रचलित, आज भी ये प्रचलित है। ठीक है, यामिनी बाद में लिखना, अभी लिखना छोड़ दो, अभी समझ लो। ठीक है, नोटिस बोर्ड में है, वहां से देख लेना बाद में। ओके मैम, अभी मत लिखिए, अभी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गजधर राजस्थान के कुछ भागों में अभी भी ये प्रचलित है, कि राजस्थान के कुछ भागों में अभी भी इनका नाम लिया जाता है, ये है द गजधर, कि ये गजधर कौन है। ठीक है, य गज परिमाणा धारती स गजा, य गज परिमाणा धारती स गजा, कि ये जो गज के माप को धारण करता है। ठीक है, गज के माप, गज क्या होता है,
यहाँ पे आगे बताया गया है। अब देखो गज यहाँ पे बोला है कि यह गजधर कौन है, यह गज परिमाण आधारित गजा जो गज के परिमाण को धारण करता है। ठीक है, गज मतलब जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं ना, यहाँ पे लंबी सी पकड़ी है छड़ी पकड़ी हुई है ना यहाँ पे, ठीक है हाँ। तो यही यही जो है ये गज है, ये गजधर, ये पलिया होता था पहले जो थे, अब तो बहुत से मापने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट और चल पड़े हैं ना, अब जो है अब हम नहीं देखते हैं, हम मिस्त्री की बात हम क्या देखते हैं, वो रोलिंग वाला चल पड़ता है ना, रोल कर लेता है और पॉकेट में डाल लेता है ना, वही चलते हैं ना। तो पहले जो थे, पहले इनके पास ऐसे ही छड़ी इस टाइप की होती थी, ठीक है। तो ये गज इनका है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ राजस्थान में भी बोले जाते हैं कि क गजधर की गजधर कौन है, स गज परिमाण आधारित स गजधरा, कि ये गज के परिमाण परिमाप को धारण करता है, कि जो गज के माप को धारण करता है वह स गजधरा वह गजधर है, ठीक है। जो गज को परिमाण, अब गज का आगे बताया है, गज के बारे में बताया है, गज परिमाणम एक मापनम कार्यम उपजते, कि गज जो है वो किसके काम आता है, मापने के काम में उपयोग होता है, जिसने डंडा सा पकड़ा हुआ है यहाँ पे वो मापने के काम आता है, ठीक है। ये गज जो है इनके मापने के काम आता है, ठीक है। आगे चले हैं समाजे तिहस्त परिमाण का, अच्छा गज समझ में आया तुम्हें, तीन हाथ माप की छड़ी होती है, ठीक yes, है मैम, मतलब इतनी हाथ में जितनी लंबी है इसने पकड़ी हुई है यहाँ पे, ये जनता तीन हाथ के बराबर, जो तीन हाथ की माप की लंबाई के बराबर, मतलब इतना सा हाथ हुआ ना हमारा, ये हुआ ना, ठीक है। तो इसको तीन हाथ मतलब दो हाथ हमारे और एक वन इसके माप की लंबाई हुई है हमारी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो है त्रिहस्त तीन हस्त, ठीक है, तीन हाथ के बराबर त्रिहस्त परिमाण का लोहयस्का लोहे से बनी हुई, लोहयस्का लोहे की छड़, ठीक है। हस्ते गृहत्वा चलता, हस्ते हाथ में गृहंता पकड़ करके चलंता चलते हैं ये गजधर, ठीक है। कि इनके बारे में बताया गया है कि ये गजधर जो है वो तीन हाथ के बराबर लोहे की छड़ को, लोहे की जो छड़ी है छड़ है उसको पकड़ करके हाथ में चलते हैं, ठीक है। इनके पास ये गजधर जो थे, ये शिल्पीकार जो थे, इनके पास हमेशा एक लोहे की छड़ होती थी जो तीन हाथ के बराबर होती थी, ठीक है। इधर ने शिल्पम रूपेण नेम सातम सातम अदृशम संति, कि ये जो गजधर थे ये कारीगर गजधर अब कारीगर के रूप में ही आदर नहीं पाते हैं, ठीक है। ये जो गजधर थे पहले इनको बहुत नाम दिया जाता था कि गजधर है ना, सादर के साथ इनको रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता था, परंतु अब जो है ये अब इनका इनका आदर ही नहीं करते हैं, कोई आदर ही नहीं पाते हैं। गजधरा ये समाज से गंभीर है, गजधरा यह लिखा हुआ है गजधरा यह समाज से गंभीर है, मामले खेल सकते परिचर्चा, कि गजधर जो समाज की गंभीरता को नाते उसी रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। परिचिता परिचित मतलब परिचित थे, तो ये जो गजधर थे अब इतना सम्मान नहीं पाते हैं, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये जो है समाज की गंभीरता को नाते इसी रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। लास्ट वाला आप देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ, गजधरा वास्तु कारा आसन, गजधर जो थे वो वास्तुकार थे, ठीक है। गजधर थे जो थे वो वास्तुकार थे, वास्तुकार मतलब जो घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। गजधरा वास्तुकारा आसन भवन आदि का, वास्तु का मतलब है भवन आदि, ठीक है, जो अभी भवन का निर्माण करते हैं, अभी तो बावड़िया कुएं वगैरह कुछ नहीं बनाया जाता है, तो ये गजधर जो है अब वास्तुकार थे, ठीक है, भवन आदि बनाते थे, घर वगैरह बनाते थे। कामन ग्रामीण समाज
नगर कि काम चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, ठीक है, ग्रामीण समाज में हो या हो नगर समाज या नगर समाज में हो, ठीक है, या तो गांव में हो या शहरों में हो, ठीक है, काम चाहे ग्राम में हो, ग्रामीण में हो या फिर शहरों में हो, समाज के लिए निर्माण, ठीक है, तस्य नव निर्माण, उसके नए निर्माण, सुरक्षा प्रबंधक, और सुरक्षा का प्रबंध भी किया करते थे, मतलब सुरक्षा को देख के ही वो घर वगैरह बनाते थे, ठीक है, सुरक्षा जो दायित्व, दायित्व होता है जिम्मेदारी, ठीक है, गद्दारा निभा की गद्दार जो थे वो निभाते थे, ठीक है, मतलब वो अपने क्या बोलते हैं इसको, सुरक्षा भी देते थे, ऐसा नहीं कि कभी बना दिया और थोड़े दिनों के बाद वो गिर गया, ऐसा नहीं होता था ना, एकदम पक्का होता था ना, है ना, अभी भी बिल्डर जो है वो मतलब कैसे बनाते हैं, हम पक्का पक्का ही बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ी नहीं कि दूसरे दिन, अगर कच्चा घर भी बनाते हैं तो भी उसको देख के बनाते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं निकल जाता है, नहीं ना, तो उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी भी होती थी, ठीक है, जो गलधर है उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी भी होती थी, अगर किसी का बना रहे हैं तो ऐसे नहीं कि दूसरे दिन ही निकल जाए या महीने बाद ही उसका घर टूट जाए, ठीक है, तो सुरक्षा की जिम्मेवारी भी होती थी, वो ऐसे बनाते थे, उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी भी होती थी, गलधर जो थे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहर हो, ठीक है, जैसे ग्रामीण में कभी कच्चा घर बनाना हो या शहरों में पक्का घर बनाना हो तो उनके ऊपर जिम्मेवारी भी होती थी, सुरक्षा की जिम्मेवारी भी होती थी और वो उसको अच्छे से निभाते भी थे, ठीक है, उसको अच्छे से निभाते थे। नगर नियोजना लघु निर्माण पर्यंत, नगर नियोजन नगर की योजना, नगर नियोजन नगर की योजना से लेकर के लघु निर्माण पर्यंत छोटे निर्माण तक, ठीक है, कि मतलब बड़े बड़े अगर शहरों में अगर बिल्डिंग वगैरह नगर बनाने हो, क्या बोलते हैं उनको, कॉलोनी, जो शहरों में जो कॉलोनी बनाई जाती है उनको लेकर के से छोटे छोटे निर्माण तक, ठीक है, जो गाँव में छोटे छोटे निर्माण किए जाते थे, इन सभी कार्यों में सर्वाणी कार्य, इन सभी कार्यों में आसन इन सब पर भी आधारित थे, ठीक है, कि गाँव के शहरों से लेकर के गाँव तक जितने भी कार्य थे वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, आज भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, है ना, आज भी मेसन जो है, मिस्त्री जो है वो घर बनाते हैं, है ना, चाहे शहरों में बनाना हो चाहे गाँव में बनाना हो, ये भी लोग घर बनाते हैं, ठीक है, और ये जिम्मेवारी भी होती थी। आगे देखते हैं, ते योजना प्रस्तुत बनती समा, ये योजना को पहले प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, योजना को प्रस्तुत करते हैं मतलब योजना बनाते हैं कि ऐसे बनाया जाएगा, मतलब प्लानिंग करते हैं पहले वो, ठीक है, पहले वो योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, आजकल तो जैसे कैसे बनते हैं घर, जो नक्शे पे बनते हैं ना, पहले नक्शा बनाते हैं, yes, नक्शा बनता है ना कि ऐसे ऐसे बनेगा, तो वैसे पहले ये प्लानिंग करते थे, इनके पास नक्शा नहीं होता था, ये अपने दिमाग से भी मतलब प्लानिंग कर लेते थे कि ऐसे हम बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है, वो होती है योजना, ठीक है, तो ये जो है ये योजना प्रस्तुत करते थे, ठीक है, बताते थे, प्रस्तुत करते थे आगे सभी के सामने ऐसे रखना कि हम ऐसे बनाने वाले हैं, ठीक है, भवि भव्य मकान निर्मिति समा, और आने वाले खर्च का अनुमान भी लगाते थे, भवि भव्य कि जो खर्च होता है, जो खर्च होगा उसके ऊपर अनुमान भी लगाते थे, ठीक है, अनुमान लगाते थे, उपकरणां निर्मिति समा, और साधन और सामग्री इकट्ठा करते थे, ठीक है, जैसे हमने ही अगर घर बनाना हो तो हम पहले मिस्त्री को पूछते हैं ना, कि कितना यहाँ कैसे बनाएंगे, पहले हम आर्किटेक्ट से पूछते हैं, वो हमें बताएगा कि नक्शा बना देता है ना, कि ऐसे हमें नक्शा बना दिया, ठीक है, उसके बाद मिस्त्री को पूछते हैं कि कितने हमें ईंट चाहिए, कितना रेता चाहिए, है ना, उतना ही मंगवाते हैं ना हम लोग, है ना, तो वो हमें उसका मटेरियल के बारे में बताता था, वही आ गया यहाँ पे, पहले भी योजना उसका अनुमान खर्च भी बता देते थे कि तुम्हें कितना खर्च आएगा,
बताते हैं ना अभी भी मिस्त्री हमें कि हमें ये बनाना है, तो हमें बता देंगे कि तुम्हारा इतना खर्चा आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली बता देते हैं वो हमें, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर जो साधन इकट्ठा जो जो चाहिए होते हैं साधन, मतलब जो भी ईट से लेकर के पत्थर से लेकर के, तो सारा ही सामान हमें बताते हैं, फिर इकट्ठा सामान को इकट्ठा करते हैं। यही कहते हैं ना, हम उनसे पूछ करके वो सारा ही सामान इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक दाने ते ना यत यांचल के सं यत दातुं तेषां स्वादे असमर्था मृत्यु, ठीक है। बदले में मैं पैसा नहीं मांगता, प्रति दाने ना यांचलते, यांचलते होता है मांगना या इच्छा करना, बदले में वो पैसा नहीं मांगते थे, ठीक है। यत दातुं तेषां, जिन्हें देने में स्वामिना, स्वामी जो मालिक होता है, जो बनवाने वाला होता है, असमर्थ भवेयु हो, ठीक है। वो बदले में पैसा नहीं मांगते थे, जिसको देने में स्वामी जो था वो असमर्थ हो, मतलब ना दे सके, जो बनवाने वाला है वो ना दे सके। कार्यो समाप्ते वेतने, कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त मतलब उनका जो भी मालिक दे सके, जिसने जो बनवाया है, वेतन के अतिरिक्त गद्धरे क्या गद्धर को सम्मानित, अपनी सम्मानित सम्मान की प्रदीप से समा सम्मान भी दिया जाता था, ठीक है। नमा एका विशेष शिल्पाभ्या, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है, ठीक है। यहाँ से फिर से देखिए, प्रतिदिन आचरण कि वो ऐसा कुछ नहीं मांगते थे, ठीक है, कि ऐसे पैसे वगैरह कुछ नहीं मांगते थे, ठीक है, जिसको देने में उनके मालिक जो है वो असमर्थ हो जाए, ठीक है। और वेतन के बाद उनको क्या दिया जाता था, सम्मान भी दिया जाता था, ठीक है। देते हैं आजकल भी मिस्त्री वगैरह को सम्मान, देते हैं। यस मैम, देते हैं ना, यस जब मैम, हम आप लोगों ने देखा होगा कि घर वगैरह हम जब बनाते हैं, है ना, तो जो मिस्त्री वगैरह जो होते हैं उनको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं ना, है ना, कपड़े यस मैम, वगैरह वगैरह उसको दी जाती है, या जब घर घर बन के हम जब घर का वो पूजन वगैरह करवाते हैं, है ना, तो उस टाइम को वो मिस्त्री जो होता है हम उसको बुलाते हैं, उसको कपड़े वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वो हुआ उसका अतिरिक्त सम्मान, मतलब वेतन तो हमने उसके पैसे तो दे दिए उसको, ठीक है, मतलब उसके अलावा भी हम उसको अतिरिक्त सम्मान देते थे, तो मतलब वो कुछ और भी उसको, जैसे कपड़े वगैरह या कुछ और देना, है ना, शगुन वगैरह उसको हम देते थे, हाँ पैसों का शगुन देते थे, देते हैं ना, है ना, फिर कुछ भी मतलब पैसों का शगुन हो गया, कुछ भी सामान का शगुन हो गया, है ना, हाँ खाने वगैरह के लिए भी देते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे शिल्पकारों को हमारा नमस्कार। तो ये था हमारा पाठ, संसार सागर से नायिका, कि संसार के सागर भी थे जो आज तक बिल्कुल विलुप्त हो गए, सिर्फ वो घर निर्माण तक ही रह गए हैं, ठीक है। अब कोई बढ़िया वगैरह कुएं वगैरह तालाब वगैरह कोई नहीं बनाता, है ना, स्विमिंग पूल जरूर बनवाते हैं, है ना, ठीक है। पर वो तो जो स्विमिंग पूल जो बना वो तो किसी का पर्सनल हुआ ना, है ना, बावड़िया कुएं जो होती थी वो क्या होती थी, पब्लिक होती थी, सारे सभी जो मर्जी किसी को मना थोड़ी नहीं करते थे कि तुम यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते, है ना, तुम यहाँ पे नहा नहीं सकते, है। अब अगर कोई स्विमिंग पूल बना रहा था वो तो अपने घर में बनाएगा, दूसरे को तो नहीं आने देगा, हाँ। तो पहले जो था वो पब्लिक के लिए बनाते थे, ठीक है, और सभी उसका प्रयोग करते थे, परंतु आजकल ये विलुप्त हो गया है कि अब ना तो बावड़ियां कुएं तालाब वगैरह कुछ नहीं बनाए जाते, जो पहले के बने हैं, ठीक है, उन्हीं को हम प्रयोग कर रहे हैं, या फिर उनको हम क्या कर रहे हैं, यूज ही नहीं कर रहे हैं, उनका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, और वो वैसे ही पड़े हुए हैं, गंदे हो गए हैं, फिर उनका पानी नहीं पीते, कुछ नहीं करते, नहाते नहीं वहां पे, ठीक है। तो अब ये विलुप्त हो जा रहे हैं, ये बहुत पहले के बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुम बात कर रहे हो, आप लोगों ने पूरी नहीं लिखी है, जैसे यहाँ पे आया आपका लिखना है गजधर, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है गजधर डर 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 पानी
परिचिता। फिर हिंदी के लिए जो सरकार ग्रीटर से लिखा हुआ है ये सारे का सारा आपने करना है, ठीक है। फिर तीसरा पैराग्राफ आपका आ जाएगा जहाँ पे गजरा जय 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 शिल्पेभ्यः, तो यहाँ से डैश डैश में सिर्फ जो ब्लैक पेन से लिखा है वो डैश डैश में ही लिखना है, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने इसका हिंदी भी अनुवाद पूरा ही करना है। शाम को ये लिख के हम ये लिख के करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका ये भी होमवर्क है, आज आप इनको राइट करके लिख करके मेरे को असाइनमेंट में सेंड करेंगे, ठीक है, और सुंदर सुंदर लिखा करो, ठीक है। तो ये आपका आज पार्ट कंप्लीट हो गया, कल हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. अभी आपकी क्लास भी ऑफ हो जाएगी, ठीक है, टाइम होने वाला, अभी आपका अभ्यास नहीं हो सकता। क्यों आ जाती तो बैठो तुम्हारी, अनिल डोगरा आया है आज, अनिल डोगरा आज भी नहीं है ना क्लास में, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो मैम, मैं अक्षित 1722 मैसेज करके बोल रहा हूँ, उसकी ज्वाइन नहीं हो रही है क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम से, चेक करती हूँ मैं। क्यों नहीं हो रही इसकी ज्वाइन, आपकी हो गई उसकी क्यों नहीं हुई ज्वाइन, उनको मैसेज करके बोल रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम से हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है।